दोस्तों बॉलीवुड में ऐसी ऐसी कहानी है जिसे सुनकर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है। पर जनाब ये तो बॉलीवुड है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बॉलीवुड में खुले विचारों वाले कई एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कई कंट्रोवर्शियल बयान दिए और इंटीमेट सीन दिए, पर इन सबसे आगे बढ़कर बॉलीवुड में एक ऐसी भी एक्ट्रेस हुई जो अब तो फिल्मों में काम नहीं करती, पर एक समय में इनकी अदाओं के देश भर में लाखों लोग दीवाने थे। ये ऐसी हीरोइन है जिन्होंने 16 साल की उम्र में ही शराब पीना शुरू किया और शराब की ऐसी लत लगी कि इन्हें बॉलीवुड की सबसे बेवड़ी हीरोइन कहा जाने लगा। वहीं शरीर की आग इतनी कि इन्होंने अपने सगे बाप को भी नहीं छोड़ा। यह दोनों बाप बेटी बॉलीवुड के जाने माने चेहरे हैं, जिनमें पापा तो बॉलीवुड के सफल प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, वहीं बेटी अपने समय की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी हैं। जी हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट और इनकी पहली पत्नी की बेटी पूजा भट्ट के बारे में। पूजा भट्ट और आलिया भट्ट दोनों आपस में बहने लगती हैं। बॉलीवुड में अगर कोई कंट्रोवर्शियल फैमिली रही है तो वह भट्ट परिवार ही है, जिनकी ना जात है ना पात है और ना ही कोई खानदान। महेश भट्ट को बॉलीवुड का अगर सबसे खूंखार विलेन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन उससे भी दो कदम आगे इनकी बेटी यानी कि पूजा भट्ट है। आज इस वीडियो में हम पूजा भट्ट की ही उलझी हुई सुलझी हुई और सूझी हुई कहानी जानेंगे, तो वीडियो से एंड तक बने रहना। 90s में पूजा भट्ट बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों को टक्कर देती थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के मुंबई शहर में 1972 में 24 फरवरी को हुआ था। ये महेश भट्ट की पहली बेटी हैं। महेश भट्ट की पहली पत्नी का नाम किरण था। किरण की ही बेटी पूजा भट्ट है और बाद में महेश भट्ट ने एक और मुस्लिम महिला से शादी की जिससे आलिया का जन्म हुआ। इस तरह पूजा और आलिया सौतेली बहनें हैं जिनमें एक हिंदू है और दूसरी मुसलमान। पूजा बचपन से ही एक बिगड़ेल बाप की बिगड़ेल बेटी रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूजा भट्ट केवल 16 साल की आयु से ही शराब की आदी हो गई थी और इन्हें शराब की ऐसी लत लगी कि इनकी गिनती नशेड़ियों में होने लगी। अपने फादर महेश भट्ट की दूसरी शादी करने की वजह से पूजा महेश भट्ट को देखना तक पसंद नहीं करती थी, पर महेश भट्ट ने पूजा से वादा किया था कि वह उसे बॉलीवुड में अभिनेत्री बनाएंगे और अच्छा भविष्य देंगे। आगे चलकर महेश भट्ट ने अपना वादा भी निभाया और सिर्फ 17 साल की उम्र में ही पूजा भट्ट को अपनी फिल्म डैडी से डेब्यू करवा दिया। इस फिल्म में पूजा भट्ट के एक से बढ़कर एक बोल्ड सीन थे। पूजा भट्ट ने इतने बोल्ड सीन दिए कि 17 साल की लड़की को हॉट लुक में देखकर हर कोई अपना दिल हार बैठा और हर कोई पूजा भट्ट को चाहने लगा। इस फिल्म के लिए पूजा भट्ट को बेस्ट न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। पूजा के पिता डायरेक्टर थे, इसलिए फिल्म में वही होता था जो पूजा चाहती थी। इन्होंने कई एक्ट्रेस और एक्टर्स की जिंदगी बर्बाद कर दी। किसी भी एक्टर के साथ पूजा का जो मन करने को करता था वो वैसे ही उनके साथ व्यवहार किया करती थी। आमिर खान, सनी देओल, संजय दत्त, शाहरुख खान, ऋषि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती, यह सभी वह कलाकार हैं जिनके साथ पूजा भट्ट ने अपने अनुसार ही काम किया। पर फिल्म दिल है कि मानता नहीं से पूजा भट्ट को जबरदस्त पहचान मिली। इस फिल्म में पूजा भट्ट का साथ दिया था आमिर खान ने। दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और फिल्म को सफल बनाने में इस फिल्म के सॉन्ग्स ने भी काफी अहम किरदार निभाया। फिल्म में पहली बार पूजा भट्ट के काम को लोगों ने खूब पसंद किया और फिल्म के गाने भी सुपर हिट रहे। इस फिल्म का गाना था तू प्यार है किसी और का और तुझे चाहता कोई और है, जो पूजा भट्ट के कैरेक्टर पर बिल्कुल फिट बैठता है। इस गाने ने तड़पते हुए आशिकों के दिलों के दर्द को बयां किया। तुझे चाहता कोई और है। और पूजा भट्ट को इस फिल्म में काम करते हुए आमिर खान से ही प्यार हो गया, लेकिन आमिर खान पहले से ही किसी और के प्यार में दीवाने थे, इसलिए पूजा भट्ट को यहाँ पर आमिर खान से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। 1991 में पूजा भट्ट की सड़क फिल्म आई जिसमें संजय दत्त भी साथ में थे। इस फिल्म का हर किरदार आगे चलकर अमर हो गया। इस फिल्म के गाने भाई साहब क्या ही गाने थे। 90 के दशक में गानों की जब भी एक लिस्ट बनेगी तो सड़क के गाने हमेशा उसमें सबसे ऊपर रहेंगे। इस फिल्म के गाने जमाने के देखे हैं रंग हजार या फिर दो प्यार करने वालों को जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। ये गाने सालों तक बिना बोरियत के बजे और आज भी
जहां यह गाने बजते हैं तो लोग खुद को इसे सुनने से रोक नहीं पाते। बता दें कि फिल्म में कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने कई गानों में अपनी आवाज दी थी। सड़क फिल्म के टाइम पूजा की उम्र सिर्फ 18 साल थी और उनके फादर महेश भट्ट ने उनसे कहा कि तुम्हें एक जबरदस्त किसिंग सीन देना है। इस बात को सुनते ही जैसे मानो पूजा के मन की मुराद पूरी हो गई हो। पूजा संजय दत्त को उस समय खूब चाहती थी और अपने कमरे में संजय दत्त के पोस्टर्स लगा कर रखती थी। पिता ने पूजा को किसिंग सीन के लिए कहा और इसके बाद जो पूजा ने किसिंग सीन दिया तो मानो संजय दत्त को मजे ही आ गए। लेकिन वह यही नहीं रुकी, इसी साल इन्होंने ऐसा कांड किया जिसके बाद लोगों को पूजा से घिन आने लगी। लोगों ने कहा कि इसे जीने का कोई हक नहीं है और यह समाज में रहने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। ये बात है साल 1991 की, जब पूजा भट्ट और संजय दत्त स्टारर सड़क फिल्म को तगड़ी सक्सेस मिली थी और पूजा भट्ट की काउंटिंग टैलेंटेड एक्ट्रेस में होने लगी। इसी टाइम एक मैगजीन के कवर के लिए पूजा भट्ट ने अपने ही फादर महेश भट्ट के साथ लिप लॉक करते हुए फोटो कैप्चर करवाई और उसे कवर पेज में छापा गया। अपने ही फादर को पब्लिकली किस करके वह लोगों की रडार पर आ गई और कुछ समय के बाद पूजा भट्ट की अपने ही फादर के साथ कई फोटोज वायरल हुई और हर तरफ पूजा भट्ट और उनके बाप महेश भट्ट के रिलेशन की खूब चर्चा होने लगी। और इसी बीच महेश भट्ट का एक स्टेटमेंट आया जिसने आग में घी डालने जैसा काम किया। महेश भट्ट ने अपने बयान में कहा कि अगर पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। इसके बाद तो भाई साहब लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। लोगों के द्वारा महेश भट्ट और पूजा भट्ट को जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगी थी। लेकिन मानो इन सब से पूजा भट्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी समय पूजा भट्ट ने राहुल रॉय के साथ कई फिल्मों में काम किया जिनमें फिर तेरी कहानी याद आई, जानम और जुनून जैसी फिल्में रही। इन फिल्मों में पूजा ने अपने बोल्डनेस को ही दिखाया और राहुल रॉय के प्यार में भी पड़ गई। लेकिन पूजा के अंदर प्यार जैसा कुछ था ही नहीं, बस थी तो ठरक। और जैसे ही वह मीटी तो उसने राहुल रॉय को लात मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। इसके बाद इनकी एक फिल्म आई जख्म जिसमें इन्होंने अजय देवगन की माँ का किरदार निभाया। इसके बाद पहली बार वह साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के साथ दिखी। अगर ये कहा जाए कि उनका पूरा बॉलीवुड करियर एक तरफ और इस फिल्म में उनका एक छोटा सा किरदार एक तरफ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने यह गाना ना सुना हो। आज भी लोग इस गाने के उतने ही दीवाने हैं जितना उस समय हुआ करते थे। पूजा शराबी थी, बिगड़ेल थी, लेकिन फिर भी उन्हें काम की कभी भी कमी नहीं हुई क्योंकि प्यारी बेटी के प्यारे पापा डायरेक्टर जो ठहरे। पूजा ने अपने फिल्मी करियर में सड़क, जानम, गुनहगार, फिर तेरी कहानी याद आई, तड़ी पार, नाराज, हम दोनों, अंगरक्षक, चाहत, तमन्ना, बॉर्डर और जख्म जैसे फिल्मों में काम किया। एक वक्त के बाद पूजा को फिल्मों के ऑफर जब कम आने लगे तो इन्होंने पूजा प्रोडक्शन के नाम से खुद की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर दी और पाप नाम की पहली फिल्म डायरेक्ट की। और अपने डायरेक्टिंग करियर में इन्होंने सिर्फ ऐसी फिल्में बनाई जिसमें बोल्डनेस की भरमार थी। इन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया जिसमें सूर, पाप, जिस्म और रोग जैसी फिल्में रही। खास तौर पर उनकी फिल्म जिस्म को आज भी याद किया जाता है। यह फिल्म काफी बोल्ड थी और इसका म्यूजिक भी काफी लोगों को पसंद आया था। पूजा भट्ट के अफेयर की अगर बात की जाए तो दर्जनों लोगों के साथ इनके अफेयर रहे। जिस भी हीरो के साथ वह काम किया करती थी उन्हीं के साथ वह चर्चा में आ जाया करती थी। सबसे पहले पूजा भट्ट का नाम राहुल रॉय के साथ जुड़ा। उनके साथ वो काफी सीरियस रिलेशनशिप में थी। दोनों ने कई फिल्मों में काम किया और दोनों के कई फोटोज भी वायरल हुए, जिसके बाद बॉलीवुड में उनका रिश्ता सुर्खियां बटोरने लगा। पर वह उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रही और थोड़े ही समय के बाद पूजा भट्ट ने राहुल रॉय को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि पूजा भट्ट ने शादी भी की थी और उसे प्यार का नाम भी दिया था। 2 महीने डेट करने के बाद साल 2003 में मनीष माखीजा से इन्होंने शादी कर ली। लेकिन इस शादी से भी पूजा का मन भर गया और इस शादी में 11 साल रहने के बाद भी इन्हें इस शादी का कोई बेनिफिट नहीं हुआ और न ही इन्होंने इस विवाह को शादी की तरह निभाया। जिसका एक बड़ा रीजन ये भी था कि शादीशुदा होते हुए भी पूजा को ओपन रिलेशनशिप की इच्छा थी। वो चाहती थी कि वो कुछ भी करें, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। जब इन्होंने फिल्म पाप डायरेक्ट की तो इनसे भी पाप हो गया। जी हाँ, वो रणवीर शौरी के साथ गुटर गु करने लगी।
रणवीर के साथ इनके संबंधों ने इतनी सुर्खियां बटोरी कि दोनों की सगाई तक हो गई थी। लेकिन पूजा भट्ट को एक जगह टिकना मानो मंजूर ही नहीं था। इसका बड़ा कारण ये भी था कि रणवीर और पूजा दोनों ही शराब के आदि थे और दोनों ही बेड़ों की तरह लड़ते थे। कहा जाता है कि एक बार रणवीर शौरी ने शराब के नशे में पूजा की इतनी पिटाई की कि उनका खून तक निकल आया था। उसके बाद पूजा ने रणवीर के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। अब यह सब पूजा शादीशुदा होने के बाद कर रही थी, इसलिए मनीष ने भी इन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया, क्योंकि इतना ओपन माइंडेड शायद ही कोई पति होगा। और मनीष ने भी इनसे तलाक ले लिया। पूजा न केवल एक एक्ट्रेस रही बल्कि एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर भी रही। इन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की और डायरेक्ट की, जिसमें हॉलीडे, धोखा, कजरारे और जिस्म 2 जैसी फिल्में शामिल रहीं। थोड़े टाइम पहले ही बिग बॉस में पूजा नजर आई थी और इन्हें आखिरी बार बॉम्बे बेगम्स वेब सीरीज में देखा गया था, जिसमें इतनी उम्र दराज होने के बावजूद भी इन्होंने भर भर के किसिंग सीन दिए थे और बोल्ड सीन दिए थे। इस सीरीज को देखकर लोगों ने कहा कि पूजा भट्ट की ठरक आज भी कम नहीं हुई है। इनकी पूरी जिंदगी विवादों में ही गुजरी है। अपने फिल्मी करियर में पूजा भट्ट ने फिल्में तो अच्छी की, पर लोगों का प्यार मिलने की जगह उन्हें लोगों के गुस्से का सामना ज्यादा करना पड़ा। और आज के समय में भी पूजा भट्ट को लेकर लोगों की राय ठीक नहीं है। आपकी क्या राय इनके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।